आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता 24। आपने जामताड़ा देखा है क्या? अगर नहीं तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए है। इन दिनों यूपी, बिहार और झारखंड, बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में एक ऐसा गिरोह चल रहा है जो भोले भाले लोगों को लूटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देश में स्टार्टअप बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग नौकरी की जगह अपना व्यापार करके कुछ बड़ा करने की कोशिश में है और बस ऐसे ही लोगों की तलाश में है ये गिरोह। चिप्स से लेकर गाड़ी हो या साड़ी, किसी भी चीज़ का बिजनेस करने के लिए बड़ी तादाद में फ्रेंचाइजी ली जाती है। यदि आप भी फ्रेंचाइजी एजेंसी लेने की सोच रहे हैं तो जरा हो जाएं सावधान। पहले उसकी पूरी तरह से छानबीन करें, बिना सोचे समझे ऑनलाइन आवेदन न करें, अन्यथा आप ठगों के शिकार हो सकते हैं। साइबर ठगों का मकरजाल अब देश भर में फैल चुका है। अब लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिए वाहन से लेकर विभिन्न सामानों की फ्रेंचाइजी देने का ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी की जा रही है। ये ठग कुछ पल में लाखों रुपए आपके खाते से ठग लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। इन लोगों ने अपने कुछ साथियों के साथ एक बड़ा गैंग तैयार किया है जो अधिकारी, पुलिस, डॉक्टर, व्यापारी आदि को कंपनी का मालिक बनाकर अपना निशाना बना रहे हैं। उनके जाल में अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे अधिकारी और व्यापारी सहित अन्य तरह के लोग भी फंसते हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल के करीब 30 युवकों ने मिलकर 25 से अधिक फर्जी वेबसाइटें बना रखी हैं। इनमें 30% छूट पर लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसी देने का दावा करते हैं और ये लोग लालच में आकर लाखों का नुकसान करते हैं। विंध्याचल मंडल में 3 वर्षों के अंदर साइबर ठगी के कुल 93 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि पूर्वांचल में 150 से अधिक मामले प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अलावा झारखंड, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर देखा जाए तो 300 से अधिक मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले जरा थोड़ा सा सोचें, विचारें और जांच पड़ताल जरूर करें, लालच का शिकार ना हो, अन्यथा आपके अकाउंट से पैसे ऐसे गायब हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें वार्ता न्यूज 24।